व्यूअर्स, वंस अगेन मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। तो देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या देखा हुआ था, हमने ये सब क्लियर किया हुआ है। मैटर अराउंड अस, क्या टॉपिक था आपका, मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा चैप्टर का नेम क्या था, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या जो भी हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। तो प्योर के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आए थे और इम्प्योर के अंदर मिक्सचर आया था। अब हम इसके बाद आगे मिक्सचर के फर्दर पढ़ रहे थे, मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। मैंने आपको बताया था मिक्सचर के उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें किस तरीके का टेक्सचर है मिक्सचर का, उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर के दो टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला मिक्सचर का टाइप था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, होमो का मतलब है एक जैसा, यानी कि अगर कोई मिक्सचर जिसमें सेम पार्ट्स मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसमें हम पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो इस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास लेमिनोट। लेमिनोट क्या होता है, नींबू पानी। उसमें अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो जो मिक्सचर होता है, जो भी मिक्सचर होता है हमारे पास, उस मिक्सचर में हम नींबू एंड पानी एंड शुगर ये सब डालते हैं। ठीक है, ये सब डालते हैं। तो क्या आपको इसके सारे कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं, वो जो आपके पास जो ग्लास है उस ग्लास में वाटर ही आपको दिखाई देगा और थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें नींबू का पार्टिकल कौन सा है, इसमें शुगर का पार्टिकल कौन सा है, इसमें सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है, यानी कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिसमें जिसका टेक्सचर एक जैसा हो, ठीक है, सेम टेक्सचर हो, उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो उसके पार्टिकल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ वी कैन डिफ्रेंशिएट द पार्टिकल ऑफ एनी मिक्सचर देन द मिक्सचर इज नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वी कैन डिफ्रेंशिएट द पार्टिकल, इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है, आप चाहें तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट द पार्टिकल ऑफ ए मिक्सचर देन द मिक्सचर इज नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम इसके पार्टिकल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत आसान सा एग्जांपल दे देती हूँ आपकी डेली लाइफ में ही है। मड वाटर, मड वाटर इसका एक एग्जांपल है, यानी कि एक ऐसा पानी जिसमें, या सैंड वाटर हम बोल सकते हैं, मड वाटर या सैंड वाटर, ठीक है, या सैंड वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो सैंड वाटर क्या होता है, जो पानी होता है उसमें सैंड के पार्टिकल छोटे 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 आपको अलग अलग दिखाई दे जाते हैं, पानी के पार्टिकल आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, और जो स्मॉल स्मॉल जो जो सर्कुलर फॉर्म में जो पार्टिकल है वो सैंड के पार्टिकल है। यानी कि अगर आप किसी मिक्सचर में उसके पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अपनी नेक्ड आई से, अपनी नॉर्मल आई से उसके पार्टिकल को अलग अलग देख पा रहे हैं, तो उसके जो मिक्सचर होगा उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अकॉर्डिंग मिक्सचर को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो होमोजीनियस के बारे में मैंने आपको क्या बताया, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो होमोजीनियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मिक्सचर का एक और पार्ट हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर बच्चों को इस वाले चैप्टर में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, पहली बात तो बच्चे कंपाउंड और मिक्सचर में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने आपको उसका भी एक तोड़ बता दी, कंपाउंड हमेशा एक रेशियो में होगा, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक रेशियो में आके मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। और मैंने मिक्सचर का भी आपको तोड़ बता दिया, हम कुछ भी मिला दें किसी भी चीज़ में, सब मिक्सचर ही है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला दें अगर हम उसे मतलब किसी रेशियो में नहीं मिला रहे हैं, बस कैसे भी मिला दे रहे हैं, बस मिला दे रहे हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। किसी को चीनी ज़्यादा चाहिए तो चीनी ज़्यादा डाल ले रहा है पानी में, किसी को चीनी कम चाहिए तो वो कम डाला है, अपने मन के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भी मिला रहे हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे, मिक्सचर ही बोल देंगे। और अगर हम किसी रेशियो में मिला रहे हैं तो हम उसे कंपाउंड बोल देंगे। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको हमने वो क्या पढ़ा, टाइप ऑफ मैटर थी, वो मैटर के टाइप थे, क्या थे, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट को हमने वहीं के वहीं छोड़ दिया था, उसके आगे हम बढ़े नहीं थे। ठीक है, एलिमेंट से बस हमने इतना पता किया था, एलिमेंट दो से मिलकर दो या दो से, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, अगर किसी रेशियो में मिल रहे हैं, और ऐसी अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट विदाउट एनी रेशियो मिल रहे हैं तो मिक्सचर बन जा रहा है। ये सब मैंने आपको बताया था, आपको ये सारी बातें फोकस करके सुननी होंगी, इतना ज़्यादा क्लियर किसी और टीचर ने नहीं किया होगा, इतना मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो
तो एलिमेंट और कंपाउंड को हमने वहीं के वहीं छोड़ दिया, मिक्सर को हम आगे फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। मिक्सर क्या था, मिक्सर का मतलब है हम किसी भी चीज़ को इन एनी रेशियो, हमारा मन हम किसी भी रेशियो में मिलाएं, हम बिना रेशियो के मिला दें, हमारा मन हम कैसे भी मिलाएं, हमें चाहे अपने अकॉर्डिंग बनानी हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी रेशियो में मिला दिए तो हम उस मिक्सर को हम उसको मिक्सर बोल देते हैं, ठीक है। अब मिक्सर भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स को हम नेक डाइट से देख ही नहीं पा रहे हैं, हम उसके पार्टिकल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस के अंदर हमें पढ़ना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको काफ़ी सारे पहले सॉल्यूशन के एग्जाम्पल दूंगी, देन मैं आपको उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करूंगी अदर जो भी इसके अंदर अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशन भी एक मिक्सर का पार्ट है, तो मिक्सर के अंदर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो किसके अंदर आ रहा है, होमोजीनियस मिक्सर के अंदर आ रहा है। तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन या फिट बैठ रहा है इसका एग्जांपल। सॉल्ट सॉल्यूशन हम देखते हैं, अगर हम वाटर में क्या ऐड कर दें, हम वाटर में ऐड कर दें सॉल्ट, तो सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन बोल देंगे, ओके। तो क्या आप जब वाटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जब आप वाटर है यहाँ पर आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल अपनी नेक डाइस से माइक्रोस्कोप से नहीं देखना, आप नॉर्मल अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको क्या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, भाई आप पकड़ पा रहे हैं नमक के पार्टिकल को, अलग कर पा रहे हैं वाटर के पार्टिकल को, और उठा के अलग अलग आप हाथ से या किसी भी प्रॉपर्टी या कैसे भी किसी भी तरीके से आप उसे अलग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना। तो यानी कि इसके मिक्सर इसके कंपोनेंट हैं, यानी कि जो हमारे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके जितने भी कंपोनेंट है वाटर और सॉल्ट, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि हमें होमोजीनियस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हम उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन को हम तो इस तरीके के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल होगा सॉल्यूशन। तो आपसे अगर होमोजीनियस बोले कोई चाहे सॉल्यूशन बोले, आपको क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि होमोजीनियस का एक ही एग्जांपल है सॉल्यूशन। अब देखिए हेट्रोजीनियस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्दर, एक तो होता है हमारा सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स COLLIODS, कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, अब आपको कोलाइड्स और इसमें डिफ्रेंशिएट करना है सस्पेंशन में। देखिए सॉल्यूशन के बारे में अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, पहले मैं कोलाइड और सस्पेंशन को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ना, देन मैं सॉल्यूशन पे दोबारा आऊँगी और उसका डीप में जाकर और अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा और थोड़ा मतलब पेशेंस बनाकर दिमाग में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना क्लियर करके इस चैप्टर को शायद ही कोई टीचर बता पाए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ शायद ही कोई टीचर बता पाए इतना क्लियर करके जितना क्लियर करके मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को समझने में कन्फ्यूजन कहाँ आता है, मुझे अच्छे से पता है। मैं बता तो दूंगी, मैं सारी चीज़ें और टीचरों की तरह नॉर्मल बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कन्फ्यूजन क्रिएट चैप्टर है, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग चैप्टर है। बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए मैं इस चैप्टर को जिस तरीके से क्लियर कर रही हूँ ऐसा कोई टीचर नहीं कर सकता। कोलाइड्स क्या होते हैं, तो कोलाइड के सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ मिल्क, देन मैं आपको कोलाइड के बारे में बताऊँगी, ठीक है। और सस्पेंशन का मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ चॉक वाटर, यानी कि एक ऐसा पानी जिसमें क्या पड़ी हुई है, चॉक पड़ी हुई है, ठीक है। अब कोलाइड्स क्या होते हैं भाई, ये आपके पास मिल्क क्या है, मिल्क आपके पास ये कोई भी मतलब ग्लास वगैरह है। चॉक वाटर के लिए भी आपको अगर आपको वाटर में चॉक मिलानी है तो आपको वही एक ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आपने यहाँ चॉक वाटर का एग्जांपल लेंगे, मतलब हमने एक सॉल्यूशन एक मतलब मिक्सचर लिया है जो कि चॉक वाटर का है, ठीक है। हमने वाटर में चॉक मिला दिया, एक हमने लिया है मिल्क का, ये मिल्क है। अब कोलाइडल और सस्पेंशन में बस थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा मतलब अलग होता है। सस्पेंशन क्या होता है, इसके सारे पार्टिकल क्या होते हैं, इसके सारे पार्टिकल मतलब हेट्रोजीनियस होते हैं, वेरी लार्ज पार्टिकल होते हैं इसके। सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हम जो भी हमारे पास मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर से हम उसके पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉक वाटर का सॉल्यूशन है तो हम चॉक का हर पार्टिकल जो व्हाइट कलर का हमें नज़र आ रहा है हम अपने हाथों से ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये चॉक का पार्टिकल है, ये चॉक का पार्टिकल है, ये चॉक का पार्टिकल है, ये चॉक का पार्टिकल है। यानी कि सस्पेंशन में जो भी सब्सटेंस मिला हुआ है उसके पार्टिकल लार्ज होते हैं, इतने लार्ज कि हम उसे अपनी नेक डाइस से देख सकते हैं, विच कैन सी बाई
बाय अवर नेट डाइस. ओके, इतने बड़े पार्टिकल होते हैं कि हम उसे नेक डाइस से देख पा रहे हैं. इसके पार्टिकल क्या थे, हम उसे अपने नेक डाइस से नहीं देख पा रहे हैं. अब जो कोलाइडल है, मैंने इसे बीच में क्यों लिखा है, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की चीज़ है. ठीक है, हम ना ही तो उसे नेक डाइस से देख सकते हैं, मतलब हम इसके पार्टिकल को नेक डाइस से नहीं देख सकते. कोलाइडल के पार्टिकल को इतने स्मॉल होते हैं, मतलब सॉल्यूशन से थोड़े बड़े, ठीक है, और सस्पेंशन से थोड़े छोटे, ऐसे होते हैं इसके पार्टिकल. ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि ऐसा कोई सब्सटेंस या मिल्क, क्योंकि वो कोलाइडल के अंदर आता है, तो उसके पार्टिकल वाटर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के मुकाबले या सॉल्यूशन के मुकाबले थोड़े से बड़े और सस्पेंशन के मुकाबले थोड़े से स्मॉल यानी कि छोटे होंगे. ठीक है, तो हमें कोलाइडल की डेफिनेशन पता चल गई. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ना ही तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं. अब देखिए, तो ये इसके पार्टिकल बीच के होते हैं, यानी कि जो इसका जो कोलाइडल का जो भी मिक्सचर होता है वो हमें किस तरीके का दिखाई देता है. इट सीम्स लाइक होमोजीनियस. पूरी बात सुनना पहले मेरी, बट इट्स प्रॉपर्टीज इज हेट्रोजीनियस. यानी कि है तो हेट्रोजीनियस ही है, तो कोलाइडल हमारा हेट्रोजीनियस ही, बट सॉल्यूशन के मुकाबले इसके पार्टिकल थोड़े बड़े और सस्पेंशन के मुकाबले थोड़े छोटे हैं. यानी कि ना ही तो इसके पार्टिकल इतने बड़े हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ना ही इतने छोटे हैं कि हम उसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है. इसके एग्जाम्पल मिक्स मिल्क कैसे होगा, तो देखिए चॉक वाटर को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसमें वाटर में चॉक मिली हुई है. वाटर सॉल्यूशन को आप अपनी आंखों से या सॉल्ट सॉल्यूशन को आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है. लेकिन कोलाइडल इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, तो कोलाइडल को हम अपनी आंख से कैसे देख पा रहे हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो डेफिनेशन होती है कि हम उसे उसके पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन कोलाइडल को तो हम अपनी आंख से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, हमने नहीं पता कर पा रहे कि मिल्क के अंदर क्या क्या सब्सटेंस मिले हुए हैं. तो इसके लिए भी एक मेरे पास तरीका है आपको बताने का कि कोलाइडल सबसे अलग क्यों है. आप मिल्क को नॉर्मल उसके पार्टिकल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आँख से देखकर. ठीक है, जैसे आपको मिल्क में वाटर है तो आप वाटर को अलग नहीं कर सकते, उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको अलग नहीं कर सकते, प्रोटीन को अलग नहीं कर सकते. बट एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन. उस प्रोसेस के जरिए, वो सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत आसान वो होता है ना, वो जो मम्मी घर में एक मतलब बड़ा सा कोई बर्तन लेके बैठती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारा वो दही या मिल्क वगैरह डालती हैं, देन वो चलाती हैं उसे, और देन उसके बाद उसके ऊपर छोटे मतलब झाग झाग से दिखाई देते हैं, उस झाग को वो अलग कर लेती हैं, मलाई वगैरह क्या बना लेती हैं वो सब करती है ना मम्मी. तो वो ही, तो यानी कि हमने मिल्क में से मिल्क के पार्टिकल्स को अलग कर लिया है, हम मिल्क के पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इस वजह से हेट्रोजीनियस है, इस वजह से हेट्रोजीनियस है प्रॉपर्टीज़ में. बट हमें मिल्क के सारे पार्टिकल नेक डाइस से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके अलग कर पा रहे हैं. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए हम मिल्क के पार्टिकल को अलग करें, यानी कि मिल्क के पार्टिकल हम नेक डाइस से देखेंगे तो वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने हल्का सा भी थोड़ा सा भी गेम खेला मिल्क के साथ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अपनाया, तो मिल्क के सारे पार्टिकल अलग होके आ गए, उसमें जो हल्के पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए, मलाई वगैरह ऊपर आ गई, लोनी वगैरह ऊपर आ गई, हमने उसे निकाल लिया, और जो छोटे बच्चे इधर उधर के छोटे बच्चों के पार्टिकल्स थे जो भारी थे वो नीचे रह गए. और पर ना हम मिल्क से क्या बना लेते हैं, हम क्या क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिल्क में सिरका डालो और उसे थोड़ा गैस पे गर्म कर दो, पनीर बन गया. ठीक है, तो मिल्क से पनीर यानी कि मिल्क में से जो उसका पानी था उसको अलग कर दिया, जो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनको अलग करके हमने जो मेन जो चीज़ थी वो निकाल ली, पनीर निकाल लिया. इसी तरीके से हम चीज़ भी बना सकते हैं मिल्क से. ठीक है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए कोलाइडल है उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो कोलाइडल क्या है, बीच की स्थिति है, सॉल्यूशन से ऊपर और सस्पेंशन से नीचे. इसके पार्टिकल को हम देख तो नहीं पाएंगे नॉर्मल आंखों से, लेकिन हम किसी ना किसी इसकी सारी प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस की तरह होती हैं, यानी कि हम इसे किसी ना किसी प्रोसेस के जरिए इसके सारे पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं.
तो इसके पार्टिकल्स को हम कैसे अलग कर पा रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए, ठीक है। हम इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए अलग नहीं करेंगे, सिर्फ उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए अलग करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी? एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स सेम दिखाई दे रहे हैं, जिसके पार्टिकल में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग, तो वो सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। और कोलाइडर और सस्पेंशन का क्या मतलब है? एक ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल को, एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके पार्टिकल को हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अलग अलग, हमें जिसके पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो सस्पेंशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कोलाइडल क्या होगा? जिसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं बट उसकी प्रॉपर्टीज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह है लेकिन दिखने में होमोजीनियस है, तो ऐसा कोई भी मिक्सचर कोलाइडल के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए अलग कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूट बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए इसके कॉन्स्टिट्यूट को अलग कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बताया था, क्या आप नमक में से अगर आप फिल्टर कर देंगे तो क्या जो सॉल्ट है वो पानी में से अलग हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। आप यहाँ लिख लेना इसी, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसके पार्टिकल्स को क्या फिल्ट्रेशन के जरिए अलग कर सकते हैं? आप खुद सोच लीजिए। मिल्क है, आपको देखिए इनके अगर आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे ना तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी। आपको प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत है, बस इतना करने की ज़रूरत है। तो मिल्क के, क्या मिल्क को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए अलग कर सकते हैं? हम फिल्टर कर दें, हम छलनी से छान लें तो मिल्क के क्या पानी अलग हो जाएगा, उसमें से कुछ और अलग हो जाएगा, प्रोटीन विटामिन जो भी हैं वो अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए अलग नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे मिल्क को तो हम अलग कर लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए, उसकी जो मलाई होती है उसे तो छान लेते हैं। अरे भाई, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब इसका अगला हो जाएगा, इसका हम क्या होता है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि हम इधर उधर देख सकते हैं, इधर उधर आर पार देख सकते हैं। ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। और ये क्या होता है कि इसके इधर उधर हम देख पाएंगे, इसके इधर उधर हमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ठीक है, हल्का हल्का हमें इधर उधर दिखाई दे रहा है। ओके, एक सेकेंड, हल्का हल्का इधर उधर हम मिल्क के इधर उधर नहीं देख सकते ना, तो उपैक के अंदर आ गया। ये क्या हुआ? ये हुआ ट्रांसलूसेंट। ये क्या हुआ? ट्रांसलूसेंट हुआ, यानी कि सस्पेंशन हमारा क्या है? ट्रांसलूसेंट है, यानी कि अगर हम पानी में मिट्टी मिला दें तो मिट्टी ऐसे, मतलब एकदम से क्या होता है, जब हम पानी में मिट्टी मिला देते हैं तो कुछ देर तक क्या रहता है, उसके पार्टिकल ऐसे पानी में घूमते रहते हैं। तो अगर आप कांच का गिलास ले रहे हैं और उसमें आपने पानी रखा, देन उसमें आपने मिट्टी मिलाई, तो उसके पार्टिकल क्या होंगे? कुछ देर तक जो मिट्टी के पार्टिकल होंगे इधर इधर ऊपर ही ऊपर घूमते रहेंगे ना, आपने ऑब्वियसली देखा होगा। तो यानी कि जब तक ये घूम रहे हैं तब तक तो हम इधर उधर आर पार नहीं देख पा रहे, सस्पेंशन में इधर उधर आर पार नहीं देख पा रहे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, सारे सस्पेंशन के साथ ऐसी सिचुएशन है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे 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 आकर जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, देन हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि हल्का हल्का हमें फिर आर पार दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हुआ सस्पेंशन, वो पैक हो गया कोलाइड, और सॉल्यूशन हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वेरी लार्ज होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं इस लार्जर देन सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं लार्जर देन कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, इट्स पार्टिकल इज लार्जर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी देख रही हूँ, मेरे को जेल पेन से थोड़ा राइटिंग, मेरा ऐसे जेल पेन से मैं ना फ्लो में नहीं लिख पाती हूँ, तो मेरे पास अभी जेल पेन मेरे हाथ में आ गई तो मैं उसी से पढ़ाने के लिए बैठ गई, जेल पेन से थोड़ा कम हो पाता है, तो आप उस पर राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन कोलाइडर और सस्पेंशन में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मिक्सचर
जिसमें हम उसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, नमक अलग नहीं कर पा रहे हैं, पानी अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो होमोजीनियस हो गया, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। सस्पेंशन में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स को आप अलग अलग देख सकते हैं तो वो सस्पेंशन होगा, लेकिन कोलाइडल में आप उसके पार्टिकल को ऐसे आँखों से अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन आप उसके साथ कुछ ना कुछ गेम खेल देंगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होकर उसके पार्टिकल्स को आप अलग अलग देख पाएंगे, ठीक है। तो कोलाइडल आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की एक स्थिति, एक सिचुएशन है। अब देखिए, आपने टिंडल इफेक्ट कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, आज से पहले आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है, 8th class में पढ़ा है, पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसको बताने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना बता दे रही हूँ कि कौन सा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्या? यस, टिंडल इफेक्ट शुड शो, ठीक है, टिंडल इफेक्ट इसमें दिखाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इज शोन। क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है? यस, इट ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, बस समझ में आना चाहिए। तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है और कोलाइडल भी टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, बट जो हमारा सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट का मतलब है, अब देखिए आपने अगर 8th class की बुक में ये पढ़ा होगा कि पौधे जो मतलब घना जंगल होता है, तो घने जंगल में जो धूप की किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती हैं, बस वही आपका टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन लेना पड़े, एक मतलब आप इतना समझिए, अगर किसी भी सब्सटेंस का टिंडल इफेक्ट एक लाइट का इफेक्ट है, यानी कि जो सन से आने वाली रेज हैं उस वो क्या काम कर सकती हैं किस पार्टिकल के साथ, इसके ही हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट के अंदर। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल का जो साइज है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कि हमें जो चारों तरफ घूमता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे हमें चारों तरफ घूमता हुआ इन्वायरमेंट में भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, यानी कि उसके पार्टिकल को हम देख ही नहीं सकते अलग अलग, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो क्या आप सोचिए सन की जो लाइट होगी इस पार्टिकल को पार करके निकल जाएगी? जब इतना स्मॉल होगा ऑब्वियसली निकल जाएगी, इतना छोटा पार्टिकल है कि सन की लाइट इसे पार करके निकल पा रही है, ठीक है। हम कोलाइडल के और सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं टिंडल इफेक्ट को लेकर। इसका पार्टिकल क्या होता है? ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और इसका पार्टिकल क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका जो पार्टिकल है ना ही ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, तो इससे तो टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से शो हो जाएगा, यानी कि जो लाइट की जो रेज होगी वो आ रही होंगी कहीं से घूम घाम कर, और जैसे ही इस पार्टिकल से टकराएंगी, इस पार्टिकल से टकराने के बाद ये फैल जाएंगी, ऑब्वियसली फैल जाएंगी। तो यानी कि कोलाइडल ने टिंडल इफेक्ट शो कर दिया, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या, इसके मुकाबले थोड़े से बड़े दिखा दिए, इसके मुकाबले मैंने थोड़े से छोटे दिखा दिए। सस्पेंशन, वैसे देखा जाए सस्पेंशन के पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, वाटर है, वाटर के अंदर मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम सस्पेंशन बोल देते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल हम अलग अलग देख सकते हैं। तो इतना बड़ा पार्टिकल भाई अगर आपको लाइट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप टिंडल इफेक्ट शो कर देंगे? नहीं करेंगे ना, आपसे लाइट की रेज आकर टकरा रही हैं और टकरा कर चारों तरफ घूम जा रही हैं, नहीं होंगी ना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हो गए, तो आप टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। लेकिन सेम इस पार्टिकल के साथ भी है, ये पार्टिकल भी इतना बड़ा होगा भाई, मिट्टी का इतना बड़ा पार्टिकल है, ये कैसे टिंडल इफेक्ट शो कर देगा? तो शुरू में जैसे ही हम पानी में मिट्टी घोलते हैं उस टाइम टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में कब शो होता है? जब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, धीरे धीरे 1-2 घंटे में नीचे सारे आके बैठ जाते हैं और ऊपर क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर रह जाता है। तो पार्टिकल यानी कि जितनी भी मिट्टी थी सब क्या नीचे आके बैठ गई और ऊपर क्या रह गया, वाटर रह गया। अब वाटर में अब सारे पार्टिकल्स थोड़ी ना नीचे बैठ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स एक आध बूंद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी में भी होते होंगे, तो वो पार्टिकल्स ऐसे चारों तरफ घूमते रहेंगे क्योंकि मिट्टी वाला पानी तो गंदा ही हो जाता है। तब उस कंडीशन में सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जब पार्टिकल बड़ा था उस टाइम टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया, जब सारे पार्टिकल बैठ गए उसके बाद क्या रह गया, वाटर मतलब काफ़ी साफ सा हो गया। तो अब जो लाइट की रे आएगी
वो टिंडल इफेक्ट शो करेगी, यानी कि यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद में ये फैल जाएगी, यही होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन आप देखेंगे तो क्या बन सकती है, TYNDAL इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ अ लाइट पास थ्रू अ मीडियम, ये सारे मीडियम ही तो हैं, सॉल्यूशन के मीडियम से जा रही है या सस्पेंशन के मीडियम से जा रही है, कोलाइडल के मीडियम से जा रही है। इफ अ लाइट पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी दैट इट इज शोइंग द टिंडल इफेक्ट। अगर उसके अगर कोई भी लाइट, मैं पहले आपको लिख देती हूँ फिर आपको दोबारा समझाऊंगी। इफ अ लाइट पास्ड थ्रू अ मीडियम, अगर कोई भी लाइट किसी मीडियम से होकर जा रही है और उसका पाथ हमें दिखाई दे रहा है, एंड इट्स पाथ इज डिविजिबल, मतलब कैन बी सीन देन द इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, और जो सब्सटेंस होगा वो क्या शो करेगा, देन द सब्सटेंस शो टिंडल इफेक्ट। तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको इतनी थोड़ी सी जानकारी हुई अभी, अब चलिए इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा और देखते हैं। आपके पास थ्री टाइप ऑफ मिक्सर है। क्या क्या मिक्सर है आपके पास, देखिए आपके पास एक है कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन इसमें आपने किसका, सॉल्यूशन के अंदर आप किसका एग्जांपल लेना चाहेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का, क्योंकि इसके पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं ना, सॉल्ट सॉल्यूशन आपने ले लिया। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है लेते हैं कोलाइडल, ठीक है, तो कोलाइडल का एग्जांपल क्या ले लिया आपने, मिल्क ले लिया। तीसरा आपने ले लिया सस्पेंशन, यहाँ पे आपने किसका एग्जांपल लिया है, सस्पेंशन का एग्जांपल लिया है। तो सस्पेंशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम चॉक वाटर। तो देखिए इसके पार्टिकल्स बनाने इतने छोटे हैं कि भाई हम देख ही नहीं पा रहे, बहुत छोटे, मैं तो तब भी थोड़े बड़े बना दे रही हूँ, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे, इससे भी ये तो बहुत बड़ा है, इसका भी आप नैनो एक नैनोमीटर कर दीजिए इसका, अगर ये अगर एक सेंटीमीटर है तो उसका एक नैनोमीटर कर दीजिए, ठीक है, इस बहुत छोटा कर दीजिए। तो कोलाइडल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क, इसके पार्टिकल यानी कि काफ़ी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। और एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके पार्टिकल अभी शुरू शुरू में तो बहुत बड़े हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ये नीचे बैठ जाएंगे सारे, छोटे छोटे पार्टिकल ही रह जाएंगे, ठीक, इसके मुकाबले थोड़े ज़्यादा बड़े ही होंगे ऑब्वियसली। ये तो ये एक हमारे पास टॉर्च है, ये रही हमारी टॉर्च, और ये है इसका, इसमें एक है बटन, ये इस बटन को हम ऑन ऑफ करना है, और यहाँ पे इसका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस बटन को ऑन करते हैं यहाँ से क्या लाइट की रेस चलती हैं, लाइट की रेस चल रही हैं, ठीक है, चारों तरफ फैलती हैं वो तो लाइट की रेस। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल से टकराए बिना ये सीधे ही निकल जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं कि इस लाइट की रेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस सॉल्यूशन पे, यानी कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा अगर लाइट आर पार चली जा रही है, लाइट की रेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कोलाइडल मिल्क में से आप देखेंगे तो मिल्क से जैसी लाइट की रेस टकराएगी, टकराने के बाद ये थोड़ी सी फैलेगी, इसकी वजह से हमें चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यानी कि मिल्क क्या टिंडल इफेक्ट शो करता है। सस्पेंशन का आप एक एग्जांपल देखेंगे तो शुरू शुरू में जब इसके पार्टिकल चारों तरफ घूमते रहेंगे तो लाइट की रेस को जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, इधर जा ही नहीं पाएगी, ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी, जैसे ही सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे वैसे ही लाइट की रेस वही टकरा कर फिर साइड से निकल जाएगी। यानी अब आपका अगर आप मिल्कमैन से मिल्क वगैरह लेने के लिए जाते हैं, आप दूध को लाइट में रख दीजिए या खुद पास करके देख लीजिए दूध से लाइट की रेस को, तो आपने एक हल्की सी शाइनिंग दिखाई देगी वो मिल्क में, ठीक है, हल्की सी शाइनिंग दिखाई देगी लाइट की, ऐसे एक चमकती हुई ब्लूइश वाइटिश लाइट जा रही होगी, तो वो क्या है, कोलाइडल है इसीलिए। तो आपको टिंडल इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया। टिंडल इफेक्ट के बाद अब हमें ये देखना है, हमने जो सॉल्यूशन बनाया, हमने जो ये जो कुछ भी बनाया उसमें हमने क्या चीज़ रखी, हम जो भी बना रहे थे हम सबके साथ एक वाटर ज़रूर रख रहे थे, वाटर प्लस उसके साथ कुछ ना कुछ घोल देते थे, जैसे कि हमने कभी सॉल्ट घोल दिया, कभी कुछ घोल दिया,
ऐसे करके घोल दे देते हैं, उसमें कुछ घोल दे देते हैं, तो उस घोलने को क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और वाटर, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, हम ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा अमाउंट में ले देते हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम अमाउंट में होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर और सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट, सॉल्वेंट और सॉल्ट मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सॉल्वेंट एंड सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से अब जब आप क्या लेते हैं, कोलाइडल लेते हैं, ठीक है, और आप एक सस्पेंशन लेते हैं, तो देखिए अब जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है या जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको आपने सॉल्वेंट बोला, द सब्सटेंस विच हैव मोर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच हैव मोर वॉल्यूम या मोर डेंसिटी या बिच है, जिसके पास ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मोर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्यूट क्या है, लेस पार्टिकल, बिच है लेस पार्टिकल, यानी कि जिसके पार्टिकल कम होंगे, यानी कि जो कम मात्रा में डाला जाएगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, लेस पार्टिकल। ये तो सॉल्यूशन के बारे में बात होगी, कोलाइडल में भी सेम होगा और सस्पेंशन में भी सेम होगा, लेकिन बस नाम बदलने हैं हमें। कोलाइडल में क्या होगा, जो ज़्यादा होगा उसे हम बोल देंगे डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो आप अभी तक अगर आपने चैप्टर खुद से रीड किया होगा तो आप अभी तक यही नहीं समझ पाए होंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम इसका क्या मतलब होता है और कहाँ यूज़ हो रहा है या अचानक से कैसे आ जा रहा है। जो मोर होगा उसे, जो मोर पार्टिकल होंगे यानी कि जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो होगा डिस्पर्स्ड फेज, और उसमें जो भी सब्सटेंस डाला जाएगा वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, इसके पार्टिकल उस जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें कम होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे किसके बारे में बात हो गई, ये हो गई कोलाइडल के बारे में। ठीक है, ये तो कोलाइडल के बारे में बात हो गई। मैं बार बार कोलाइडल की स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, COLLIDOL होगा। ओके, अब सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहीं पे बात कर देती हूँ उसके बारे में भी, यहाँ छोटी सी जगह में। सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसे हम सस्पेंडेड पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, जिसके पार्टिकल कम होंगे उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल बोलेंगे, और जो उसका सब्सटेंस जो मतलब जो ज़्यादा होगा उसको मीडियम बोलेंगे। जिसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसे हम मीडियम बोलेंगे, मोर पार्टिकल, और जिसके पार्टिकल कम होंगे उसे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही बोल देंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल। ओके, तो यानी कि जिसके पार्टिकल ज़्यादा उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसके पार्टिकल कम उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलकर ही हमारा हमेशा सॉल्यूशन बनता है। ओके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर ही हमारा हमेशा सॉल्यूशन बनता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इतना सब पढ़ने के बाद में आपको दो टॉपिक और बचे हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, मतलब जो कोलाइड होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है, थोड़ा सा समझाना है आपको। जो कोलाइडल हमने पढ़ा, यानी कि हम उसके पार्टिकल्स को नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं, उसके पास हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन होमोजीनियस दिखाई देता है, लाइक एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, तो कोलाइडल का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमने बताया, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। अभी अभी हमने बताया, देखिए आप ऊपर देखिए, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या था, ये रहा, तो डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो हमने यहाँ डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है ये चीज़ ज़्यादा है, और डिस्पर्स्ड मीडियम का मतलब है, एक सेकेंड, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सही है लिखा हुआ है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको डिस्पर्स्ड फेज, और जिस जो उसमें मिले हुए होंगे, जो पार्टिकल मिले हुए होंगे, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देंगे। तो देखिए, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। देखिए, लिक्विड है, आप लिक्विड में कोई भी गैस मिला दीजिए तो एरोसोल बन जाता है, एरोसोल बन जाता है। ये देखिए, तीर का निशान थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो मैंने लगा दिया है। इसका एग्जाम्पल है फॉग। तो अगर क्या कहते हैं, जो ठंड का मौसम होता है तो आपको चारों तरफ फॉग, मिस्ट, धुआं, क्लाउड, ये सब दिखाई देते हैं,
उसमें क्या होता है जब लिक्विड चारों मतलब ठंड के मौसम में तो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, उसमें लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा हैं, लेकिन चारों तरफ जो गैस होती है, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में आके मिल जाते हैं, इससे तो क्या बन जाता है, एरोसोल बन जाता है, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉग इस और क्लाउड है, मिस्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब लिक्विड में हमने गैस मिला दी, अब हम सॉलिड में अगर हम गैस मिला दें, कोई हमारे पास सॉलिड है, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, धुआं, ठीक है, धुएं में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड है, और इसमें गैस क्या हो सकती है, गैस धुएं में ऑक्सीजन गैस वगैरह ये सब होती है ना, नाइट्रोजन आसपास से इन्वायरमेंट में तो ऑलरेडी गैस होती है, ये धुआं है, सॉलिड के पार्टिकल हैं, यानी कि छोटे छोटे इन्वायरमेंट में ऐसे बिखरे हुए पार्टिकल हैं गंदगी के, और ये क्या है, गैस है, गैस क्या मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी गैस हम ले सकते हैं, तो अभी क्या बनता है, एरोसोल बनता है। इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक, यानी कि धुआं, ठीक है। अब एक गैस में अगर हम लिक्विड मिला देंगे तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, ठीक है। गैस में लिक्विड क्या बनाएंगे, जैसे जो शेविंग क्रीम होती है उसमें जो गैस होती है वो ज़्यादा मात्रा में, हल थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं तो फॉर्म जैसी, यानी कि वो थोड़ा मतलब उसमें झाग झाग आ जाते हैं, ठीक है, तो वो शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड में लिक्विड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। जैसे कि आप पानी में, इसका बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है पानी में, और एक ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में जब आप क्या मिला देते हैं, तेल मिला देते हैं, तो एक इमल्शन बन जाता है। इमल्शन का मतलब ही है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला देना। तो इसका एक एग्जांपल मिल्क हो गया, ठीक है, पानी में आपने और जैसे लिक्विड मिला दिए तो मिल्क बन गया, ठीक है। फेस क्रीम जो आप मतलब आयुर वगैरह की क्रीम लगाते हैं तो उसमें एक पानी होता है और दूसरा क्या होता है, कोई दूसरा लिक्विड ऑयल लेते हैं बोलो, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाती है, इमल्शन बन जाते हैं। सॉलिड में अब जब आप लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल बनेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मड हो गया। सॉलिड जैसे कि सॉलिड की अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, लिक्विड की कम रखेंगे, तो ये सब, तो ये सब तो बस आपको पढ़ लेना है एक बार। सॉलिड सॉलिड मिला है तो ऑब्वियसली जेम स्टोन बन सकता है, सॉलिड सॉलिड मिला है हमारे पास चारों तरफ की कोई भी मेटल बन सकती है, लिक्विड सॉलिड मिला दिया तो जेल बन गया, आप लिक्विड ज़्यादा रखेंगे उसमें सॉलिड थोड़ा कम रखेंगे तो जेली जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, गैस सॉलिड मिला दिया तो फॉर्म बन गया फिर से, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ऐसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इस वीडियो में मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, अगले टॉपिक हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे कि मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वजन के अकॉर्डिंग कितना वजन होगा, ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, आप नेक्स्ट वीडियो में ही देखेगा। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, जो मैटर होती है वो उसका जो मैटर के अंदर भी मिक्सचर वाली बात करी है हमने आज, मैटर के अंदर भी हमने मिक्सचर वाला सब्सटेंस पढ़ा हुआ है। तो जो मैटर होती है, मैंने जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, इसका जो मैटर होती है वो प्योर इम्प्योर दो तरीके की होती है, प्योर मैटर भी दो तरीके की होती है, एलिमेंट और कंपाउंड, और जो मिक्सचर इम्प्योर मिक्सचर होता है, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपने यहाँ पर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर भी पढ़े हुए हैं, आपने यहाँ पर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर दोनों पढ़े हुए हैं। होमोजीनियस का एग्जांपल सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल कोलाइडल एंड सस्पेंशन है। सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसके एग्जांपल ध्यान रखना है। सॉल्यूशन का आप एक एग्जांपल याद कर लीजिए, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन कोलाइडल का एक एग्जांपल याद कर लीजिए मिल्क, और सस्पेंशन का एक एग्जांपल याद कर लीजिए चॉक वाटर, और इन सबकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता है। मिल्क के पार्टिकल्स हमें ना आंखों से दिखाई दे सकते हैं और ना ही हम उसके अलग पार्टिकल्स को, इतने भी छोटे पार्टिकल्स नहीं होते कि हम उसको अलग ना कर सकें। तो ये किसका एग्जांपल होगा, कोलाइडल का। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं चारों तरफ ना ज़्यादा बड़े, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ देर बाद वो सस्पेंड होकर नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें से लाइट पास हो सकती है। सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उसे नेक्ड ऐसे नहीं देख सकते, और कौन कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन कौन नहीं करता, ये भी आपको बता दिया। सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करता, कोलाइडल करता है हमेशा, लेकिन जो सस्पेंशन होता है जब उसके पार्टिकल घूमते रहते हैं चारों तरफ तब नहीं करता, लेकिन जैसे ही पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो मैंने यहाँ पर टिंडल इफेक्ट की पूरी ये पूरी थ्योरी बताई थी आपको, और इसके अलावा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो हमेशा सॉल्यूट होता है, इन दोनों को मिलाकर हमेशा सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो ये वाली चीज़ आपकी कोलाइडल के रेस्पेक्ट में रहेगी, और यही सेम चीज़ आपकी सस्पेंशन के रेस्पेक्ट में रहेगी। और कोलाइडल सॉल्यूशन के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये आप एक बार इन्हें देख लीजिए, जो मैंने दो टिक किए ना बस वही इंपॉर्टेंट है, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर आपको वीडियो में अगर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, अगर देखिए आप किसी टीचर्स की वीडियो देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके 100 अगर वो 100% बात बता रहा है तो आप 100% बात, अगर आपका दिमाग बहुत भी तेज है तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी 100 के 100% कैच कर रहे हैं, आप अगर उसमें से 90% भी कैच कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए उस टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो अगर ऐसा है कि अगर आपको 60% से ऊपर मेरे से समझ में आया है, तो आप प्लीज़ एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को, स्किल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कम से कम एक बच्चा 10 फ्रेंड में तो शेयर कर ही दे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में, इसे पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, एक घंटा तो कम से कम 1 से 2 घंटा जाता है, ठीक है। डिस्टर्ब भी होता है तो 2 घंटे हमारे एक वीडियो को बनाने में जाते हैं, देन अपलोड करना, उसके लिए डाटा और सारा सिस्टम, उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, तो हमारा इतनी मेहनत लगती है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आप बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन प्रोवाइड करने का मतलब सिर्फ ऐसे ही ऊपर से नहीं पढ़ा देना, आप कम से कम उस चीज़ को सोच तो पाएँ, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर हो, कम से कम आप उस चीज़ से संबंधित अपने इन्वायरमेंट में देख कर समझ पाएँ कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करा के मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ बस, और मैथ्स भी इससे पहले मैंने मतलब 8th क्लास तक की और 9th और 10th की भी मैंने मैथ्स पढ़ाई हुई है, लेकिन अब मैं उस मैथ्स की भी दोबारा से वीडियो शुरू करूँगी, और टाइम ना मिलने की वजह से अभी थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन उसकी भी वीडियो कंटिन्यू होगी। चलिए अब एक छोटी सी विश कीजिए मेरी, मतलब मेरी तरफ से विश समझिए, मैं आशा करती हूँ या होप समझिए कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और कम से कम 10 फ्रेंड के बीच में हर बच्चा शेयर जरूर करेगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग।